अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो प्लान है मछली पकड़ने का है, और आप ये देख सकते हैं रौ माविया कितना जलील हो रहा है, और जितना मज़ा जलालत में है उतना शायद किसी और चीज़ में हो। चलो चलो चलो, मैं रास्ता तलाश करता हूँ नीचे उतरने का। मज़ा आ रहा है? व्यूअर्स को हाथ हिला दो, हिला दो, हिला दो अभी। ये नहर है और थोड़ा सा भी आपको पानी नहीं नजर आ रहा होगा। दाएं बाएं दोनों जानिब नहर है और हम अपना रास्ता बनाते हुए जा रहे हैं। सेंटर में भी नहर ही है। जनाबे वाली ये धूम बने हुए हैं हम, धूम 6 और मोटरसाइकिल हमारा चलाने का अंदाज। यहाँ की खूबसूरती चेक करें आप, दाएं बाएं नीचे गिर जाता है। हाँ। हमारा वो सीन ना हो गई में। ये देखो भाई, आप फ्रंट व्यू देख लो, मोटरसाइकिल तो चलता ही रहेगा। ओए आगे पानी आगे, दोनों हाथ से चला। हम ना वहाँ पे कारी साहब नहीं होंगे, आप बंट हमारे के जो आए हो ना, कारी साहब नहीं होते वहाँ पे। आप भी कौन जाते हैं? हम तो बंट हमारे के नहीं आए, हमारे लिए तो तू आ गया है। तेरे लिए कारी बनना पड़ेगा। किस लिए जाते हैं मछली पकड़ने में? आखिरकार हम पहुंच गए हैं जी नहर पर, कदीर भाई के पास। ये जी अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डोरें सेट करते हुए मछली के लिए। देखो भाई, मुदसर भाई भी जो है अब मैदान में कूद पड़े। अब माशाल्लाह इन्होंने ये डोरी फेंकी है, डोरी लगाई भी है, और इंशाल्लाह इस पर मछली जो है लाज में लगेगी। लेकिन हमारी इस वक्त एंड हो चुकी है गर्मी की वजह से, और हम यहाँ से जाने को हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? दोस्तों ये देखो, हमने एक मछली अब तक पकड़ी है, ठीक है, और ये इसको जाल में डाल के जो है इधर पानी में रखा हुआ ताकि ये मुर्दा ना हो जाए। जब हम जाएंगे तो तब इसको निकालेंगे। ये हमजा भाई अभी कारीगरी करने वाले हैं, इसको निकालने वाले हैं। यार ना निकाल, उसको अंदर ही रहने दे। ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह बड़ा पीस है, और ये चुम्मी भी ले लेता होता है हमजा भाई। ले जी, हम निकल पड़े हैं, वापसी के लिए रवाना हैं। और वो गालिब का शेर है ना, बड़े बेआबरू होके तेरे कुचे से हम निकले, तो हमारा वही हाल है गालिब के इस शेर वाला। तो माशाल्लाह मौसम तो जो है अच्छा था, लेकिन हब्स बहुत है बारिश की वजह से। कल जैसा कि आपको पता है बारिश हुई थी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।